भारतीय संस्कृति में ईश्वर को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। चारों वेद और अन्य उपनिषद आदि, अन्य दर्शन आदि, सबका मुख्य प्रयोजन है कि इस मानव शरीर में आई हुई आत्मा ईश्वर को प्राप्त कर सके, ब्रह्म को प्राप्त कर सके। जो भी कुछ वर्णन किया जाता है उसका अंतिम तात्पर्य परमात्मा में है, ब्रह्म में है। अध्यात्म के क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं उनको उपनिषद के ग्रंथ, उपनिषद पहले से बहुत आकर्षित करते रहे हैं। चाहे वो भारतीय अध्यात्म प्रेमी हो, चिंतक हो, अथवा विदेशी हो, जो भी व्यक्ति गंभीर रूप से अध्यात्म में जाना चाहता है, अध्यात्म की रुचि रखता है, उन्होंने उपनिषद को पढ़ा, समझा और विचार किया। हमारे जीवन में परमपिता परमात्मा की अनुभूति बनी रहे, हम उस परमात्मा के निकट आएं, इस भावना से ये उपनिषद पढ़े जा रहे हैं। और उपनिषद का अर्थ भी इसी ओर इंगित करता है। इन उपनिषदों की महत्ता बड़े बड़े लोगों द्वारा आंकी गई और इसकी प्रशंसा में उन्होंने बहुत सी बातें कही कि इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बड़ी शांति और सुख को प्राप्त किया, संतोष को प्राप्त किया। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। जब सिकंदर विश्व विजय को निकला, भारतवर्ष की ओर आया, तो अरस्तु ने उसको कहा कि भारत से तुम मेरे लिए एक चीज लेके आना। अरस्तु को इस बात की जानकारी थी कि भारत में उपनिषद नाम की विद्या है और अरस्तु जैसा दार्शनिक भी उपनिषद के रहस्यों को जानने का इच्छुक था। तो उन्होंने अपने शिष्य सिकंदर को कहा कि जब तुम विजय करके लौट के आओ तो मेरे लिए भारत से, काशी से उपनिषद के विद्वानों को लेके आना। उद्देश्य था कि अरस्तु भी उपनिषद के इन वाक्यों को, वचनों को गंभीरता से समझना चाहता था और अध्यात्म में गति करना चाहता था। वैदिक धर्मी न होते हुए भी उनके मन में उपनिषद के प्रति बड़ा ऊंचा भाव था। भारतीय मुस्लिम शासकों में शाहजहां के दो पुत्र थे, एक दारा शिकोह और एक औरंगजेब। औरंगजेब छोटा था, दारा शिकोह बड़े थे। तो दारा शिकोह को उपनिषद के प्रति बड़ी रुचि थी और उन्होंने उपनिषद के विद्वानों को, पंडितों को बुला करके उपनिषद को खूब पढ़ा, खूब मनन किया और उसका फिर फारसी में भी अनुवाद हुआ। फिर उस फारसी के अनुवाद को पढ़ करके कुछ अंग्रेजी भाषा भाषी लोगों ने अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। आज भारत की बहुत सारी भाषाओं में और विदेशों की भी बहुत सारी भाषाओं में, विश्व की अनेकों भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं और हिंदी में भी अनेक अनुवाद हैं। बहुत से विद्वानों ने इस पर व्याख्या की है। आदि शंकराचार्य ने भी इस पर अपनी लेखनी चलाई और उन्होंने 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा। हम जिन उपनिषदों को पढ़ने वाले हैं वो 11 उपनिषद हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी पढ़ने योग्य पुस्तकों में उपनिषदों की गणना की है और उनमें 10 और 11 इन उपनिषदों का उल्लेख किया है। आज उपनिषद के नाम से 100 से अधिक उपनिषदें मिलती हैं, 108 उपनिषदों की चर्चा की जाती है और उन 108 से भी अधिक संख्या बढ़ चुकी है। आधुनिक काल में भी अनेक उपनिषदों का निर्माण कर दिया गया।
भिन्न भिन्न प्रयोजनों से। उपनिषद नाम के ग्रंथ समाज में बड़े आदर के सूचक थे, तो उसके अनुसार उसी नाम से अनेक ग्रंथ बने। और महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में एक अल्लोपनिषद का भी उल्लेख किया है, अल्लाह के बारे में एक उपनिषद बनाई गई अल्लोपनिषद, उसके श्लोकों को भी सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। अर्थात बाद में बहुत सारे ग्रंथ बने उपनिषद के नाम से, लोगों में उपनिषद के प्रति श्रद्धा रही। फिर भी 108 उपनिषदों का वर्णन आज मिलता है, पुस्तकें छपी भी मिलती हैं, लेकिन इनमें जो मुख्य और प्राचीन 11 उपनिषद हैं उनका हम स्वाध्याय यहाँ करेंगे। महात्मा गांधी अध्यात्म के बहुत प्रिय व्यक्ति थे, गीता भी उनका प्रिय ग्रंथ था, लेकिन उपनिषदों का भी उन्होंने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया और उनके ये प्रिय ग्रंथ थे। उनका एक वचन मिलता है कि यदि उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यदि भारतीय संस्कृति के सभी ग्रंथ नष्ट हो जाएं, लेकिन उपनिषद बच जाएं तो सब कुछ बच जाएगा। ये आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, भारतीय संस्कृति की आत्मा ये अध्यात्म है। जो भौतिक प्रगति है या भौतिक विवरण है वो तो बाह्य रूप हैं, वास्तविक रूप तो ये अध्यात्म ही है, जिसका कि संकेत इन उपनिषदों में हमें पदे पदे मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर सारी उपनिषदें भी नष्ट हो जाएं, लेकिन केवल ईशोपनिषद बच जाए तो भी सब कुछ बच जाएगा, बहुत कुछ बच जाएगा, और उसी के आधार पर ये भारतीय संस्कृति अपने मूल केंद्र से, मूल भावना से जुड़ी भी रह सकती है। इन 11 उपनिषदों में सबसे मुख्य उपनिषद, पहली उपनिषद ईशोपनिषद मानी जाती है। हम भी ईशोपनिषद का सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। उपनिषद स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये वेद के कुछ भागों से लिए हुए हैं, ब्राह्मण ग्रंथों से और आरण्यक ग्रंथों से लिए हुए हैं। जिस प्रकार से गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महाभारत का एक अंश है, महाभारत का एक भाग है, विदुर नीति नाम का ग्रंथ जो पृथक से उपलब्ध होता है वो भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महाभारत का ही एक अंश है, उसी प्रकार से ये जो 11 उपनिषद हम पढ़ने वाले हैं ये सब भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, अलग से किसी व्यक्ति के द्वारा भिन्न प्रयोजन के लिए लिखे गए हों ऐसा नहीं, ये भी हमारे प्राचीन ग्रंथों के आध्यात्मिक अंश हैं, अध्याय हैं, उनको संकलित करके एक अलग से किया गया है। इन 11 उपनिषदों में बाद के 10 उपनिषद तो ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों से लिए गए हैं, लेकिन ईशोपनिषद वेद की शाखा से लिया गया है। तो इस दृष्टि से भी, क्योंकि वेद का महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक है, इसलिए भी ईशोपनिषद को सर्व प्रमुख उच्च स्थान दिया गया, सबसे आदर का भाव दिया गया। तो मैं महात्मा गांधी की बात कह रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर सारे उपनिषद अन्य भी नष्ट हो जाएं और केवल ईशोपनिषद बचे तो भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्व तो रह जाएंगे और ये संसार को सदैव उपकृत करते रहेंगे, दिशा निर्देश देते रहेंगे। और आगे बढ़े वो, उन्होंने कहा कि ईशोपनिषद भी यदि पूरी नष्ट हो जाए लेकिन उसका पहला मंत्र बच जाए तो भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्व बचे हुए रह जाएंगे। उस पहले मंत्र की चर्चा हम आगे करेंगे और उसके अर्थ को पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि पूरे अध्यात्म का निचोड़ या मुख्य बात वहाँ पर कह दी गई है, और उसके आधार पर भी यदि कोई व्यक्ति चलता है तो अध्यात्म की ऊंचाइयों को वो छू सकता है। अर्थात इन उपनिषदों का इतना महत्व है। उपनिषद शब्द को यदि हम देखें इससे इसका तात्पर्य हमें समझ में आएगा। इसको अगर तोड़ें तो एक भाग है उप, दूसरा है नि और तीसरा है शत, उपनिषद।
उप का मतलब होता है समीप में, निकटता में। किसकी निकटता की बात की जा रही है? तो यह ब्रह्म की निकटता की बात की जा रही है। ब्रह्म के समीप, परमात्मा के समीप। नी का अर्थ होता है निश्चय से, नितराम, निश्चय से, पूरी तरह से, निसंदेह है। और नितराम का मतलब है पूर्णतः, और शत का मतलब होता है प्राप्त होना, निकट आना, प्राप्त होना। तो जिसके द्वारा परमात्मा की निकटता निश्चय से, निश्चित रूप से प्राप्त होती है, उसे उपनिषद कहते हैं। जिसके द्वारा परमात्मा का सामीप्य, परमात्मा की निकटता निश्चित रूप से पूर्णतया प्राप्त होती है, उसे उपनिषद कहते हैं। ये जो यहां पर धातु कही गई है शत, सत, उसके तीन अर्थ धातु पाठ में कहे गए हैं, विशरण, गति और अवसाद। जो अर्थ मैंने आपके सामने रखा है ईश्वर की प्राप्ति के संदर्भ में, वो इसके गति अर्थ से निकल के आता है। जिसके द्वारा ईश्वर के निकट हम पहुंचते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। और गति के भी व्याकरण में तीन अर्थ किए जाते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। उसमें प्राप्ति भी एक अर्थ है। तो जिसके द्वारा निश्चित रूप से ईश्वर की निकटता प्राप्त होती है, जिसके द्वारा निश्चित रूप से हम ईश्वर की ओर, ब्रह्म की ओर, परमात्मा की ओर जाते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। और जब हम इन उपनिषदों को देखेंगे, एक एक करके मंत्र और श्लोक आएंगे, अनुच्छेद आएंगे, अंत तक आप देखेंगे कि कुछ भी वर्णन चल रहा हो, अंत तो गत्वा उसका ब्रह्म से, परमात्मा से संबंध, संपर्क जुड़ा हुआ है। चाहे वहां प्रकृति की चर्चा चल रही हो तो भी परमात्मा को समझाने के लिए है, आत्मा की चर्चा चल रही है तो भी ईश्वर प्राप्ति की सामर्थ्य आदि बताने के लिए है, ईश्वर से भेद बताने के लिए है। विभिन्न कथाएं आएंगी, उसमें भी बहुत से संकेत हैं, बहुत सी शिक्षाएं दी गई हैं, लेकिन सबका तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति में है, परमात्मा की निकटता में है। और इसी दृष्टि से हम इसको पढ़ेंगे भी। वेदांत दर्शन में एक प्रकरण आता है कि इस अध्यात्म शास्त्र में ज्ञातव्य क्या है, जानने के योग्य किसको माना गया है। पहले अध्याय के चौथे पाद में कुछ सूत्र कहे गए, तो उन्होंने कहा कि केवल ब्रह्म ही ज्ञातव्य है। इस अध्यात्म शास्त्र में जानने योग्य अगर कुछ है तो वो केवल ब्रह्म है, परमात्मा है, और किसी को जानने की अनिवार्यता उस तरह की नहीं है जैसी कि ईश्वर की है। अन्य चीजों को भी जाना जाता है तो वो ईश्वर को ध्यान में रख करके जाना जाता है, और उसके लिए प्रमाण दिया गया तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। उस परमात्मा को जान करके ही जन्म मरण के चक्र से छूटता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। प्रकृति और आत्मा का ज्ञान एक सीमा तक आवश्यक है, लेकिन अंततो गत्वा जो मुक्ति होगी वो परमात्मा के ज्ञान से ही होगी, वही ज्ञातव्य है। और ये वेदांत दर्शन वो दर्शन है जो उपनिषदों के संदेहास्पद या विचारणीय स्थलों की व्याख्या करता है, उसी के लिए उसको लिखा गया। उपनिषद के जिन स्थलों पर संदेह हो कि आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा लिया जाए या जीवात्मा लिया जाए, अज शब्द आ जाए तो उसका अर्थ प्रकृति लिया जाए या ईश्वर लिया जाए, परमात्मा लिया जाए, आत्मा लिया जाए, इस तरह के बहुत से स्थलों को उन्होंने वहां गिनाया है। और इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारी बातें कही हैं। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए अगर ज्ञेय है, जानने योग्य है, तो वो केवल ब्रह्म है, और उसी की चर्चा यह उपनिषद करती है। इस उपनिषद शब्द को यदि हम इसकी धातु की दृष्टि से और खोलें, धातु के तीन अर्थ आपके सामने मैंने बताए,
विशरण, गति और अवसाद। विशरण का अर्थ होता है मारना। अगर इस अर्थ में भी इस धातु को लें तो लोगों ने उपनिषद की व्याख्या की है कि जिसके द्वारा हम अपने अविद्या, अज्ञान को मारते हैं, अपने क्लेशों को नष्ट करते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। परमात्मा के निकट जाके हम अपनी अविद्या को नष्ट करते हैं। हमारी संपूर्ण अविद्या ईश्वर की निकटता से ही नष्ट होती है। नेन्द्राद्रिते पवते धाम किंचन, वेद का मंत्र है कि ईश्वर के बिना इस हृदय को और कोई पवित्र नहीं करता। अंतिम पवित्रता, अंतिम शुद्ध ज्ञान, अंतिम अज्ञान का हटना ये ईश्वर के माध्यम से ही प्राप्त होता है। हम कितना भी अध्ययन साधना करते रहें उससे वो पूर्णता नहीं मिल सकती जो कि परमात्मा से मिलती है। तो जब हम परमात्मा के निकट आते हैं ऐसा करके हम अपने दोषों को, अविद्या को नष्ट करते हैं। और ये जिसके माध्यम से होता है, जो ग्रंथ इसमें सहायक होता है, उसको उपनिषद कह दिया गया। तो मारना और अवसाद का अर्थ भी, नष्ट करना भी किया गया है। तो इस संदर्भ में हम इस उपनिषद शब्द को देख सकते हैं। जो हम पहला उपनिषद पढ़ेंगे ईशोपनिषद, उसमें ईश उपनिषद, ईशा शब्द ईशोपनिषद में सबसे पहले आया। ईशावास्यमिदं सर्वम्, उस शब्द को लेकर के और साथ में उपनिषद शब्द जोड़ करके ईशोपनिषद शब्द बनाया गया। पहला शब्द ईशा है, उसी के आधार पर इसको ईशोपनिषद कहा गया। इस उपनिषद का दूसरा नाम वाजसनेय उपनिषद भी कहा गया, वाजसनेयी उपनिषद। वाजसनेयी नाम के एक आचार्य हुए, उनसे यजुर्वेद का अध्ययन किया याज्ञवल्क्य जी ने। याज्ञवल्क्य जी ने वाजसनेयी नाम के आचार्य से यजुर्वेद का अध्ययन किया और इसलिए याज्ञवल्क्य वाजसनेयी कहलाए। और फिर उन्होंने जिस यजुर्वेद की जिस शाखा को बनाया, आगे जो वर्णन किया, उसका ये 40वां अध्याय है ईशोपनिषद। यजुर्वेद के 40वें अध्याय से लगभग मिलता हुआ है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है, लेकिन ये वाजसनेयी शाखा, यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा का ये 40वां अध्याय है। वो जो का तो ईशोपनिषद के नाम से है, इसलिए इसको वाजसनेयी उपनिषद भी कहते हैं। वेद की काणव शाखा, यजुर्वेद की काणव शाखा का ये भाग है, इसको उसके आधार पर भी वर्णन किया गया। और चूंकि ये वेद मंत्र को, वेद के अध्याय को जुका तू लेकर के कहा गया, लगभग पूरा का पूरा लिया गया, इसलिए इसको मंत्रोपनिषद नाम से भी कहा गया, मंत्रोपनिषद। बाकी उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों से और आरण्यक ग्रंथों से लिए गए हैं, लेकिन ईशोपनिषद लगभग संपूर्ण वेद का भाग है, इसलिए इसको मंत्रोपनिषद भी कहा गया है।